हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू मेक फार्मूला इजली, तो ये बिल्कुल सही है। आप आसानी से फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। मैं जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट ज़्यादातर ये बोलते हैं कि सर मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है। तो केमिस्ट्री ना समझ में आने का केवल एक रीज़न है कि आपको जब तक केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। उसका रीज़न है कि मान लीजिए अभी आपसे मैंने बोला कि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराइए। जब आपको यही नहीं मालूम कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि बेरियम सल्फेट बनेगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, जो आप उनके फॉर्मूले ही नहीं याद है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले बनाना सीखना होगा। अगर आप एक बार फॉर्मूले बनाना सीख गए तो आपको केमिस्ट्री सीखने से, केमिस्ट्री लर्न करने से, आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास 9th का रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हाउ टू मेक फार्मूला, ये आपके क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, बट ये आपके 10th में भी बहुत काम का साबित होगा। इसलिए बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको ये करना है, एक कॉपी उठा लीजिए, इस टेबल को आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि लर्न करना, लिखते लिखते लर्न जल्दी होता है। नॉर्मली जब आप लर्न करने बैठेंगे तो ये इतनी आसानी से आपको लर्न नहीं होगा, लेकिन जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते करते इसको लर्न करेंगे। तो ये जो आपको दी गई है, ये वैलेंसीज दी गई है, ठीक है, जितनी भी ये ऊपर की तरफ दी गई है, ये सब वैलेंसीज जो है ये वन वैलेंसीज वाले हैं। ठीक है, ये जो सेकेंड नंबर पे ये दिए गए हैं ये टू वैलेंसीज वाले हैं, और जो नीचे दिए गए हैं थ्री वैलेंसीज वाले हैं। आपको इसमें वैलेंसीज याद होना बहुत जरूरी है, और दो वैलेंसीज की आपको जरूरत पड़ेगी, एक लेड की और एक बेरियम की। तो ये मैंने साइड में लिख दी है, इनको नोट कर लें। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसीज मोर देन वन होती है, मतलब एक से ज्यादा होती है। जैसे कॉपर, कॉपर की वैलेंसी देखिए, कॉपर फर्स्ट लिखा हुआ है ना, मतलब कॉपर की वैलेंसी क्या है, वन है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉपर टू, जिसकी वैलेंसी क्या है आपकी, टू है। ठीक है, तो इनके नाम अभी आगे चल के और बताऊंगा मैं। जैसे कि जो कॉपर टू है इसे हम बोलते हैं क्यूप्रिक, और जो हमारा कॉपर वन है इसे हम बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, ऐसे ही देखिए आयरन है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी जो दी गई है वो टू दी गई है, और यहाँ पर जो आयरन की वैलेंसी दी गई है वो थ्री दी गई है। तो आयरन टू को हम बोलते हैं फेरस, और आयरन थ्री को हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। ये टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, 20 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, 20 एटॉमिक नंबर तक, उनकी वैलेंसीज में आपको एक शॉर्ट मेथड से लर्न करना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप की चीज है जिसे आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपको लर्न कैसे करना है, हा ही ली बे, हा ही ली बे, बकनो, BCNO, बकनो, फनी, FNE, फनी, ना, मांगे, अलसी, पस्कलर, PSCL, AR, कक्का। ठीक है, इसको आप दो तीन बार बोलेंगे ये आपको लर्न हो जाएगा, बहुत आसान होता है ये। हा ही ली बे, बकनो, फनी, ना मांगे, अलसी, पस्कलर, कक्का। ठीक है, इनकी वैलेंसीज बहुत आसानी से याद होती हैं, बस आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये उल्टी काउंटिंग है, 4 के बाद 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2,
1 0 1 2, जहां पे उल्टी काउंटिंग है वहां पे आप माइनस लगा देंगे 4 को छोड़कर, और जहां पे सीधी काउंटिंग है वहां पर आप प्लस लगा देंगे। जैसे ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 4 के बाद उल्टी काउंटिंग शुरू हो रही है, यहाँ आपने निगेटिव लगा दिया, ये हमारे सब प्लस हैं, 4 के बाद उल्टी काउंटिंग है तो आपने निगेटिव लगा दिया, ये प्लस है। तो इतनी आसानी से आप ये 20 तक की वैलेंसीज आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक थी वैलेंसीज को लर्न करने के लिए, बाकी भी आप प्रैक्टिस करते करते ये वैलेंसीज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आप जहां 2-3 बार बोलेंगे ना, हा ही ली बे बकनो फनी ना मांगे एल सी पस कर पक्का, ये आपको याद हो जाएंगे। फिर आप बस लिखना है इसको, आपको बस 5 मिनट का समय दे दीजिए आप इसको बार बार बोलने में, कि हा ही ली बे बकनो फनी ना मांगे अलसी पस्कलर कक्का, ये आपको पूरा 20 तक याद हो जाएगा, और बस सीरियल से आप इसकी वैलेंसीज लिख सकते हैं। नॉर्मली अभी आपको मैं सारी वैलेंसीज याद करा देता हूँ। जैसे कि हम लोग एक फॉर्मूले बनाएंगे, अब तो फॉर्मूले बनाना बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मूले बनाना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमें जिंक सल्फेट का बनाना है, तो हमें पहले सिंबल्स आने चाहिए, तो सिंबल्स याद करने के लिए ही मैंने ये टेबल बनवा दी है आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब के फॉर्मूले पहले आपको याद कर लेने हैं। तो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4। तो मैं वन टाइम केवल आपको बैक साइड जाके दिखाऊंगा, उसके बाद आप टेबल साथ में लेके बैठेंगे। जिंक, Zn की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है प्लस का, और सल्फेट की वैलेंसी आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है माइनस का। ठीक है, जिंक की कितनी दिखाई दे रही है, प्लस का 2, और सल्फेट की कितनी दिखाई दे रही है, माइनस का 2। ठीक है, तो आपने जिंक के नीचे लिख दिया +2, सल्फेट के नीचे लिख दिया आपने -2, तो दोनों देखिए बराबर, दोनों क्या है, बराबर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1, और 1 हम नहीं लिखते हैं, तो ये 1 जाएगा इस तरफ और ये 1 जाएगा इस तरफ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ZnSO4, ZnSO4। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्साइड का होता है O। ठीक है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा, 1। ठीक है, तो जब 1 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO। ऐसे अगर हम बात करें फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है, फेरिक, फेरिक के लिए मैंने बताया फेरिक की होती है वैलेंसी 3, तो फेरिक का हो गया Fe, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो फेरिक का क्या होती है आपकी, 3, और ऑक्साइड की कितनी होती है आपकी, 2, मतलब ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, माइनस का प्लस का, यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेन मतलब होता है आपका नंबर से। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल नहीं होगा, तो 3 जाएगा O के पास और 2 जाएगा Fe के पास। ठीक है, तो Fe के साथ लग जाएगा 2, तो Fe2, और O के साथ लग जाएगा 3, फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। अगर यही बात करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस का 2, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, माइनस का 1। ठीक है, अभी कैंसिल तो होना नहीं है आपका, तो -1 चला जाएगा कैल्शियम के पास और OH के पास चला जाएगा 2, तो कैल्शियम के पास आया 1, तो हमने 1 नहीं लिखेंगे, OH, ये देखिए 2 एटम है, जब 2 एटम होते हैं और कोई नंबर हमें लिखना होता है तो हम लगाते हैं ब्रैकेट, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको आप एक जगह नोट कर लें और लगातार आप बस प्रैक्टिस करते रहें, ये आप सीख जाएंगे, ये बहुत आसान होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, देखिए कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, ऑक्साइड का क्या होता है, O। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है प्लस का 2
ऑक्साइड की वैलेंसी होती है माइनस का टू, ठीक है, टू कैंसिल आया वन, टू से टू कैंसिल हो गया वन, ये बन जाएगा इस तरफ और ये वाला बन जाएगा इस तरफ, तो वन तो लिखा नहीं जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी ए ओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी ए ओ, कैल्सियम ऑक्साइड। बस अब आपको यहाँ पर सिंबल्स जरूर याद कर लेने हैं, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले आप नॉर्मली बना सकते हैं। जैसे बोला गया कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, ओ, डाई लगाया मतलब दो, तो हो गया सीओ टू, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे बनाना ही चाहते हैं तो आप नॉर्मली इसे बना दें, इसे आपने कार्बन का लिखा सी और ऑक्सीजन का लिखा ओ, कार्बन की वैलेंसी होती है फोर, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है टू, माइनस का ये होती है आपका प्लस का, नॉर्मली प्लस नहीं ले सकते आप यहाँ पे क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ठीक है, ये टू जाएगा ओ के पास, ये वन जाएगा इस तरफ, तो सी ओ टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओ टू। नाउ द फेरस सल्फेट, फेरस के लिए मैंने आपको बताया जब आयरन की वैलेंसी टू होती है तो उसे हम फेरस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेरस के लिए लिखा हमने Fe, वैलेंसी कितनी होती है प्लस का टू, ठीक है। सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, ठीक है, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है माइनस का टू, टू से टू हो जाएगा कैंसिल, ये आया वन, तो वन गया SO4 के पास, वन गया Fe के पास, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा आपका Fe SO4। ऐसी बात करें हम सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड तो इसको हम नॉर्मली बना सकते हैं, सल्फर का हो गया एस, ऑक्सीजन का हो गया ओ, और दो लगे हैं SO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सेम इस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड कितने हो गए, तीन, तो बन गया SO3। ऐसे अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, तो लेड का फॉर्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, ठीक है। लेड का क्या होता है Pb और NO3, नाइट्रेट का क्या होता है NO3, लेड का होता है आपका प्लस का टू वैलेंसी और NO3 की वैलेंसी कितनी होती है माइनस का वन, तो प्लस का टू जाएगा इस तरफ, माइनस का बन जाएगा इस तरफ, तो Pb के साथ तो वन आ गया। और यहां मैंने बोला देखिए NO3, यहाँ पे दो एटम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है और दो आना है दोनों के साथ, तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट, तो यहाँ लग जाएगा टू, तो फॉर्मूला हो गया लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेड ऑक्साइड, लेड का सिंबल क्या होता है Pb, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है O, लेड की वैलेंसी प्लस टू, ऑक्साइड की वैलेंसी माइनस का टू, अब प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया है वन और वन आ गया, ये बन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये बन जाएगा लेड के पास, तो इसका फॉर्मूला हो गया PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी सिंपल वाला हो गया, नाइट्रोजन का होता है N और डाइऑक्साइड बनाना है आपको, तो ये ऑक्सीजन हो गया O, दो है तो फुल लग गया टू, फॉर्मूला बन गया NO2। ये तो सिंपल वाले ही फॉर्मूले, इनको वैलेंसीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड वाले जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम सिल्वर क्लोराइड की, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो जो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर का सिंबल होता है Ag, क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है। Ag की वैलेंसी होती है बेटा जी प्लस वन और क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस वन, तो देखिए वन से वन गया, ये आया इस तरफ, ये आया इस तरफ, सिंबल बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर की होती है Ag, ब्रोमाइड का होता है Br, तो Ag की जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस का वन और Br की जो वैलेंसी होती है वो होती है माइनस का वन, क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ आर द हेलोजन ग्रुप, ठीक है, और हेलोजन में जितने हैं आपकी वैलेंसी माइनस वन ही आएगी उनकी, ठीक है। अब ये प्लस वन जाएगा इस तरफ, माइनस वन जाएगा इस तरफ, फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका AgBr। ऐसे अगर हम ले लें बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, Ba सिंबल हो गया बेरियम का, हाइड्रोक्साइड देखिए Ba सिंबल हो गया आपका बेरियम का और हाइड्रोक्साइड का सिंबल हो गया आपका OH, ठीक है।
और जो बेरियम की वैलेंसी होती है प्लस का टू, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है माइनस का वन। ये टू जाएगा इस तरफ और वन जाएगा इस तरफ, तो बीए के साथ तो वन है आपका, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ओ एच ये दो एटम है और टू आना है, तो ब्रैकेट लग जाएगा, आ जाएगा बी ए ओ एच का होल ट्वाइस। दिस इज कॉल्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है, देखिए अमोनिया का होता है NH3, अमोनियम का होता है NH4, NH4, और क्लोराइड की वैलेंस हो गया Cl, ठीक है। NH4 की वैलेंसी होती है प्लस का वन और क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस का वन। प्लस वन इधर गया, माइनस वन इधर गया, तो ये हो गया आपका NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम का क्या होता है बीए, क्लोरीन का क्या होता है सीएल, तो बेरियम का हो गया बीए और क्लोरीन का हो गया सीएल। बेरियम की वैलेंसी होती है बेटा प्लस का टू और क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस का वन। कैंसिल होगा नहीं, टू जाएगा सीएल के पास, वन जाएगा बीए के पास, ये बन गया बी ए सीएल टू, बेरियम क्लोराइड, बी ए सी एल टू। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का अभी थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा NH4, NH4, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, ठीक है। NH4 की वैलेंसी प्लस वन, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी माइनस वन, ठीक। अब वन से वन तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो फॉर्मूला बन गया NH4OH, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या होता है फॉर्मूला Cu, वैलेंसी होती है प्लस का टू, सल्फेट का होता है SO4, वैलेंसी होती है माइनस का टू, माइनस टू से प्लस का टू कैंसिल हो गया आपका, वन वन हो गया, तो ये बन गया CuSO4। क्यों? क्योंकि वन ये इधर गया और ये वन इधर गया, वन लिखा जाता नहीं है, तो ये बन गया आपका CuSO4। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉपर क्लोराइड की, तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर का होता है Cu, क्लोराइड का होता है Cl, कॉपर का हो गया प्लस टू और क्लोरीन का हो गया माइनस वन, ठीक है। और माइनस टू प्लस टू जाएगा इस तरफ, माइनस वन जाएगा इस तरफ, फॉर्मूला बन जाएगा CuCl2। बहुत सिंपल होते हैं ये और आप फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो रिएक्शंस हैं ये आती जरूर है, और इन रिएक्शंस के अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है और वैलेंसीज अगर आपको याद है, तो आप आसानी से फॉर्मूला बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं और पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। बात करें लेड क्लोराइड की, ठीक है। तो लेड का सिंबल क्या होता है बेटा Pb, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। Pb की वैलेंसी होती है प्लस का टू, क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस का वन, कैंसिल ये होंगे नहीं, टू जाएगा Cl के पास, वन जाएगा Pb के पास, फॉर्मूला बन गया PbCl2, ठीक है। सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4, सोडियम की वैलेंसी होती है प्लस का वन, SO4 की वैलेंसी होती है माइनस का टू, टू जाएगा Na के पास, वन जाएगा SO4 के पास, Na के पास टू आ गया तो हमने टू लगा दिया, SO4 इधर आ जाएगा आपका, फॉर्मूला बन गया Na2SO4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गया Na और क्लोराइड हो गया Cl, सोडियम की वैलेंसी प्लस वन, क्लोरीन की वैलेंसी माइनस वन, वन गया क्लोरीन के पास, वन गया Na के पास, फॉर्मूला बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम का होता है K, आयोडाइड का होता है I, ठीक है। आयोडाइड का क्या होता है I, पोटेशियम की वैलेंसी होती है प्लस का वन, ठीक है, और आयोडाइड की वैलेंसी होती है माइनस का वन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पास गए, फॉर्मूला बन गया KI, पोटेशियम आयोडाइड। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको आप नाम एक जगह नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें घर पे दो तीन बार, और ये आपको आसानी से आना शुरू हो जाएंगे। अब
जहां आपको एक बार फॉर्मूले आना शुरू हो गए, आपको केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे के चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री क्लास 10th के वो भी समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर समझाऊंगा। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो आप उनको कमेंट करें, मैं आपको उन टॉपिक्स पर वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है के, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। ठीक है, और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है के की, +1, क्लोरीन की -1। ठीक है, 1 जाएगा Cl के पास, -1 जाएगा K के पास, और जो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा वो हो जाएगा KCl। मैग्नीज, मैग्नीज का होता है बेटा Mn, क्लोराइड का होता है आपका Cl, क्लोराइड की वैलेंसी -1, Mn की वैलेंसी होती है +2, +2 जाएगा Cl के पास, -1 जाएगा Mn के पास, तो जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Mn के पास 1 आया तो Mn आ गया, क्लोरीन के पास 2 आया तो MnCl2। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड नाम से ही मालूम पड़ा है, मैग्नीज हो गया, Mn ऑक्साइड हो गया O, तो फॉर्मूला क्या बन गया MnO। नॉर्मली अगर आप वैसे चाहते हैं तो Mn का देखो क्या होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 1 गया O के पास, 1 गया Mn के पास, तो जो आपको फार्मूला बना वो बन गया आपका MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। सोडियम का फार्मूला होता है Na, ऑक्साइड का फार्मूला होता है O। ठीक है, और Na की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2, ये गया सोडियम के पास, ये गया ऑक्सीजन के पास, जो फॉर्मूला बना आपका, ठीक है, वो बन गया आपका Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ऐसे अगर हम बात करें फेरस, Fe, देखिए ये लिखा है फेरिक, Fe, मैंने बताया था जो फेरस होता है उसकी वैलेंसी होती है +2, और जो फेरिक होता है उसकी वैलेंसी होती है +3, बस ये याद रखना है आपको। ऑक्साइड का आता है O, -2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आ गया 1, तो ये 1 गया O के पास, ये बन गया Fe के पास, फॉर्मूला बन गया FeO। ठीक है, बहुत आसान है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, Al की वैलेंसी होती है +3, 3 जाएगा ऑक्सीजन के पास, 2 जाएगा Al के पास, तो Al2O3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फेरस मतलब Fe, जिसकी वैलेंसी है +2, क्लोराइड जिसकी वैलेंसी क्लोरीन -1, ठीक है, और 2 गया Cl के पास, 1 गया Fe के पास, जो फॉर्मूला बना वो बन गया FeCl2। ऐसी बात करेंगे फेरिक क्लोराइड की, ठीक है, क्लोराइड की वैलेंसी -1, फेरिक की मैं पहले ही लिख चुका था, 3 गया Cl के पास, 1 गया Fe के पास, और जो फॉर्मूला लिखा आपने लिखा FeCl3। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब यहाँ जो आयरन हाइड्रोक्साइड है तो ये लिखा आपने Fe, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, OH की वैलेंसी -1, और यहाँ पे जो आयरन है ये आयरन 2 है, 2 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो +2 है। ठीक है, ध्यान रखें कहीं पे आयरन 2 आयरन 3 लिखा हो उस चीज से आप समझ सकते हैं, ये वही है फेरस और फेरिक। ठीक है, तो ये 2 गया OH के पास, 1 गया Fe के पास, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Fe OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आगे वाले जो 3 हैं ये मैं आपको घर के करने के लिए देता हूं, और आप इनके करके इनके फॉर्मूले कमेंट करें मुझे। ठीक है, इस तरीके आप आसानी से इसको बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर डिपेंड करती है, आप कमेंट करें और आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं इस पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।